सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स, हम BTC DLED सेकेंड सेमेस्टर के 2015 के सभी पेपर जो है हम अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है आप वो इसी वीडियो के साइड में जो आई बटन है इस पर क्लिक करके या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से जो है आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके भी वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2016 का जो पेपर हुआ था BTC DLED सेकेंड सेमेस्टर का साइंस का पेपर। तो आज से फ्रेंड्स हम जो है 2016 के पेपर शुरू करने जा रहे हैं और हम धीरे धीरे करके 2016 के सभी पेपर जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी का कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन जो है फ्रेंड्स इसमें से है बल्ब का जलना। अगला प्रश्न है हमारा कि नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो नींबू में जो पाया जाता है वो पाया जाता है फ्रेंड्स साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है। तो फ्रेंड्स ये है सूर्य की रोशनी या धूप। अगला प्रश्न है जो सरोता में आलंब होता है, तो ये फ्रेंड्स जो है जो उत्तोलक है उस पर डिपेंड क्वेश्चन है और उत्तोलक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं पूरा। आपने अगर वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, उसमें हमने ट्रिक के माध्यम से बताया कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो इसमें आंसर जो है हमारा हो जाएगा किनारे पर। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स की घड़ी की चाबी देने में संग्रह करते हैं, तो ये होता है फ्रेंड्स स्थितिज ऊर्जा। पर जो है कहीं कहीं जो सेट है उसमें गतिज ऊर्जा भी दे रखा है, पर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, पर मेरे अकॉर्डिंग जो है ये स्थितिज ऊर्जा सही है। चलिए अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो पहला हमारा अति लघु है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है फ्रेंड्स होता है NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। अब इन दोनों के साथ जब अभिक्रिया होगी तो इसका जो Na है ये जो है जाके किससे क्रिया करेगा Cl से, और ये बनाएगा हमारा NaCl। अब अगर आप देखेंगे Na इधर से निकल गया, Cl निकल गया, तो बचा क्या OH और एक H, यानी कि एक H और एक H यानी कि H2 हो गया, और फ्रेंड्स साथ में एक O और बचा यानी कि H2O हो गया। यानी कि रिएक्शन जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी NaCl प्लस H2O। NaCl जो है फ्रेंड्स वो सोडियम क्लोराइड को कहते हैं और H2O तो आप सभी जानते हैं जल को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं या कह सकते हैं तेज गति से होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं उनको तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, या गुब्बारे का फूलना, और सिंपल सी भाषा में कहें तो गुब्बारे का फटना, क्योंकि गुब्बारा फटता है तो तीव्र गति से उसमें जो वायु भरी होती है वो निकल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वाष्पन किसे कहते हैं। तो जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उठ जाता है तो यही क्रिया फ्रेंड जो है वो वाष्पन कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो चाल का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसी चाल बराबर दूरी बटे समय से है आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं है रटना है, केवल आपको फॉर्मूला पता हो तो उसके आधार पर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब बात की जाए इसके मात्रक की, तो मात्रक जो है वो होता है मीटर पर सेकेंड या कह सकते हैं किलोमीटर पर घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि फसल चक्र या फसल चक्र क्या होता है। तो इस पर भी फ्रेंड्स हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। तो फसल चक्र की बात करें तो किसी भी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की जो क्रिया होती है जिससे जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट ना होने पाए उसी को फसल चक्र कहते हैं। मतलब कहने का फ्रेंड सिंपल सा है कि जब एक निश्चित समय में जो है हम किसी भी जो भूमि का कितना बेहतर यूज़ कर सकते हैं और जिससे कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बनी रहे तो वही हम फसल चक्रण का यूज़ करते हैं। और आगे देखें अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का क्रम इस क्रम से बोया जाना कि जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो भी कम ना होने पाए और उपज भी जो है वो अच्छी मिले, इस प्रकार की जो अदला बदली होती है उसी को फसल चक्रण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो ये फ्रेंड्स है चिमटा और चाकू, और ये आप कैसे पहचानेंगे कि कौन किसके बीच में आता है ये मैंने
आपको उत्तोलक वाले वीडियो में बताया था उसको आप फ्रेंड्स जरूर देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है हमारा पहला है कि अम्ल क्या है। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है। तो बात करें अगर अम्ल की, तो फ्रेंड्स अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि एच प्लस आयन जो होते हैं वो जो देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अगर आप हाइड्रोजन आयन नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एच प्लस आयन भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। अगर बात करें क्षार की, तो ये फ्रेंड्स जो है ओ एच माइनस आयन देते हैं, आप लिख सकते हैं इसको। और ओ एच माइनस जो आयन होता है उसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। और अगर आगे बात करें, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है। तो अम्ल और क्षार की जो पारस्परिक क्रिया होती है उसके द्वारा लवण और पानी का बनना जो है फ्रेंड्स वो उदासीनता की क्रिया कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, टिप्पणी लिखिए। तो बात करें अगर संतुलित आहार की, तो संतुलित आहार फ्रेंड्स वो होता है जो एक बैलेंस डाइट या कह सकते हैं कि ऐसा खाना जिसमें सभी पोषक तत्व जो है वो मौजूद हों, उसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। तो अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो संतुलित आहार का अर्थ उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। और शरीर को आहार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। किस किस कारणों से होती है फ्रेंड्स? ऊर्जा के लिए शरीर को आहार की आवश्यकता होती है, शरीर निर्माण के लिए भी होती है, शरीर जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा सुरक्षा के लिए भी जो है शरीर को आहार की आवश्यकता होती है। अतः वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरी करता है उसे संतुलित आहार कहते हैं। ये फ्रेंड्स जो है काफ़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी है, आप इसे लिखेंगे अगर ये वन वर्ड में भी आ गया क्वेश्चन तो आप इसमें फुल में फुल मार्क्स पा सकते हैं। मतलब अगर आप सिंपल तरीके से लिखेंगे पोषक तत्व जिसमें मौजूद हों तो उससे आपको नंबर तो मिलेंगे, पर अगर आप थोड़ा टेक्निकल टाइप की डेफिनेशन लिखेंगे तो इससे नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं संतुलित आहार के बारे में कि व्यक्ति जो भी आहार लेता है वह पूर्ण तृप्ति की भावना देने के बाद भी जो है आवश्यक नहीं कि संतुलित हो। मतलब कि अगर आपने कोई भोजन लिया है तो आप खाने के बाद अगर आपका पेट भर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भोजन जो है वो संतुलित आहार में आता है। यदि आहार में ऊर्जा के लिए आवश्यक तत्व सभी तत्व उचित मात्रा में है पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव है तो वह आहार संतुलित नहीं कहलाएगा। आगे देखें तो इस प्रकार का जो आहार है वो शरीर को क्रियाशील रखने में तो सहायक होगा जिसके कारण व्यक्ति कमजोरी व थकावट का अनुभव नहीं करेगा, पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्व का अभाव होने के कारण जो व्यक्ति है उसका शरीर जो है वो हष्ट पुष्ट नहीं रहेगा, या कह सकते हैं जो शरीर का विकास होगा वो उचित तरीके से या पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा और वृद्धि की गति जो है वो कम हो जाएगी तथा शरीर जो है वो रोगों का शिकार हो जाएगा। इस प्रकार यदि भोजन में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले जो भोज्य तत्व हैं उनका अभाव है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं रह पाएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स संतुलित आहार के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं कि उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें कि एक ही परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल तथा प्रतिकूल हो सकता है। मतलब आपको ऐसा परिवर्तन बताना है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में जो है वो एक टाइम पे जो है पॉजिटिव इफेक्ट लाए और एक टाइम पे वही जो है वो निगेटिव इफेक्ट लाए। तो देखते हैं फ्रेंड, जैसे कि फसल तैयार करते समय जो वर्षा है उसका होना जो है वो अनुकूल परिवर्तन में आता है, यानी कि जो फसल जब तैयार कर रहे होते हैं उस समय जो है पानी की आवश्यकता होती है या कह सकते हैं वर्षा की जल की आवश्यकता होती है, इसलिए उस समय जो वर्षा होती है वो पॉजिटिव सेंस में आती है या कह सकते हैं अनुकूल परिवर्तन में आती है। पर अगर फ्रेंड्स वही जो वर्षा है जब फसल पक जाए उसके बाद हो रही है तो वो वर्षा पर प्रतिकूल या कह सकते हैं उल्टा प्रभाव डालती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है, उदाहरण देते हुए समझाइए। तो फ्रेंड्स जो घर्षण बल होता है उसी कारण जो व्यक्ति होता है वो खुरदरी सतह पर बिना फिसले चल पाता है। और कह सकते हैं कि जैसे कि हम बर्फ़ में गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो बहुत फिसलन होती है, पर अगर उस गाड़ी और उस बर्फ़ के बीच जो है एक जो घर्षण बल होता है वो उसे उचित मात्रा में प्राप्त हो जाए तो क्या होगा, वो जो बर्फ़ पर गाड़ी फिसल रही है वो नहीं फिसलेगी। तो फ्रेंड्स घर्षण बल का जो है कहीं ना कहीं बहुत महत्व होता है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से महत्व हैं। तो पहला है कि खुरदरी सतह पर हम बिना फिसले चल सकते हैं। अगला पॉइंट है पहिए और ब्रेक के बीच लगे घर्षण बल से ही वाहन की जो गति होती है वो नियंत्रित कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि माचिस की जो तीली होती है वो माचिस की सतह पर घर्षण बल के कारण ही चलती है। तो ये फ्रेंड्स जो है घर्षण बल के महत्व जो है उदाहरण सहित हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रारूपी पुष्प का
चित्र बनाकर उसके अंगों के नाम लिखिए। तो ये फ्रेंड जो है एक प्रारूपी पुष्प का जो है वो चित्र है। आप इस चित्र का जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इससे पहले भी 2015 को जो हमने साइंस का पेपर सॉल्व कराया था सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें भी हमने जो है फ्रेंड्स एक पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो चित्र था वो बताया था कि आप उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं एक चित्र आने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जड़ों के मुख्य कार्य क्या है। मक्का, प्याज, सरसों तथा बैंगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। तो बात करें अगर फ्रेंड्स जड़ों की, तो जड़ों का जो मुख्य कार्य होता है वो पौधों को जमीन से पानी तथा मजबूती प्रदान करना होता है। अगर बात करें मक्का, प्याज, सरसों तथा बैंगन में कौन कौन सी जड़ें होती हैं, तो मक्का में होती है फ्रेंड्स झकड़ा जड़, और झकड़ा जड़ जो है वो अपस्थानिक या रेशेदार जड़ में आती है। और प्याज में भी फ्रेंड्स वही झकड़ा जड़ होती है। अगर बात करें जो है सरसों तथा बैंगन की, तो सरसों में जो है वो मूसला जड़ होती है, और जो बैंगन है उसमें भी मूसला जड़ होती है। चलिए फ्रेंड्स अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारावाही परिनालिका से क्या अभिप्राय है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स धारावाही परिनालिका जो है इसके बारे में हम बात करेंगे पहले, पर इसका आपको चित्र को थोड़ा सा समझना होगा। ये धारावाही परिनालिका के बीच में से फ्रेंड्स जो आप पाइप टाइप का देख रहे हैं, ये एक कुचालक या कह सकते हैं गत्ता या गत्ते में कुछ भी चीज़ आ सकती है, जैसे लकड़ी, गत्ता, मोटा कागज या प्लास्टिक का होता है। इसके जो चारों ओर आप ये गोल गोल तार टाइप का लपेटा हुआ देख रहे हैं, ये जो है तांबे का विद्युत रोधी तार लिपटा होता है। और हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसमें जो बैटरी होती है या एक साइड से कह सकते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होता है इस परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न हो जाता है। और ये जो फ्रेंड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये जो है सेंटर या जो इसके अंदर वाले भाग होता है, इसमें जो इसकी रेखाएं होती हैं वो एकदम फ्रेंड सीधे होती हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसी को जो है थ्योरी में समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इसका आधार दे रखा है, जिसके आधार पर जो है इसको लटकाया गया, और जिसके कारण ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये स्वतंत्र रूप से जो है घूम सके। और आगे लिखा गया है कि यदि इस प्रकार लटकाया जाता है कि क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो विद्युत इसे जो है परिनालिका से सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और ये जो फ्रेंड्स दे रखी बैटरी यहाँ से जो है विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या होगा या उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। देखिए इसमें एक साउथ पोल दे रखा है और एक नॉर्थ पोल दे रखा है, तो यही लिखा है कि ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है, क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर जो परिनालिका होती है उसकी एक छड़ चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, जिसका जो एक तार है वो उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा जो है वो दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यदि परिनालिका में जो है विद्युत धारा की जो दिशा है वो बदल दें, तो इसके जो सिरों की ध्रुवता है वो भी बदल जाती है। तो ये जो है फ्रेंड्स धारावाही परिनालिका के बारे में। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो ये हमारा सेट है वो कंप्लीट होता है। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।